हजार एक सौ आठ रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता, कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, है बरसाना। पक्के में? बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहाँ श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी है, अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहाँ राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुख हो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। और सुनो, कह रहा है कि वृषभानुपुर बरसाने में श्री जी की उपस्थिति नहीं हो तो कभी कभी, और यहाँ क्या कह रहे, यत प्रादुरस्त्र कृपया वृषभान गेहे स्यात किंकरी भवत में ममाभिलाषा। जो प्रगट हुई वो सदा प्रगट है, लाडली जो महल में नित्य विराजमान नेत्र है उसके कभी गया बरसाने? देखा है कभी श्री जी को? राधा बाबा ने देखा तो बात कर रही थी श्री जी, राधा बाबा बात कर रहे थे, और जितने प्रेमी जन है उनसे श्री जी बात करी, क्या जानते हो तुम? कैसे तुम्हें बताऊं ये हृदय की बात कि हमारी लाडली जू क्या है? जो श्री वृषभानुपुर बरसाने में नित्य प्रगट है, यत प्रादुरस्त कृपया वृषभानुगे, कितने ग्रंथ पढ़ा है उसने। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा ना समझे, उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये सांप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे, बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में, हमारी लाडली जी के विषय में नहीं। जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा, श्रद्धा और विश्वास करके बैठ जा, हम बोलेंगे नहीं, केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली जू क्या है, बैठ तो तू आकर सामने। अब हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे, ऐसों को बैठा लोगे तो।